दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूँ आपका दोस्त संतोष तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ बनाने मोमोज की चटनी घर पर। जैसे मार्केट में अवेलेबल रहती है मोमोज की चटनी, सेम एज इट इज मैं घर पे बनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि आप इसको घर पे कैसे बना सकते हैं। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए लाल टमाटर, लाल मिर्च, कटी हुई बारीक अदरक, कटी हुई बारीक लहसुन। बाउल लें और उसमें एक गिलास पानी लें। पानी जब थोड़ा गुनगुना होने लगे तो इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए। मिर्ची को हमने अराउंड 5 से 6 मिनट हमने अभी तक बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम लाल टमाटर ऐड कर देंगे और लाल टमाटर को भी हम 5 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। अब हम इसको काट के छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको इसके छिलके को उतार के साइड रख देंगे क्योंकि इसको छिलके को हम पेस्ट नहीं करेंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे से इसको मिक्स करके। लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार है। मैंने कढ़ाई ले लिया है और उसमें हम अब ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच तेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। हम ज्यादा इसको अधिक फ्राई भी नहीं करेंगे, हल्का ही फ्राई करेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोमोज की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। गाइस, आपको मोमोज की चटनी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।